हाय एवरीवन, हम इस वीडियो में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है और जो कांस्टेंट टर्म 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2 × 3, तो हो जाएगा 6। उसके बाद हम आते हैं मिडिल टर्म से। तो हमारा जो मिडिल टर्म है 7x, तो 7x को ही स्प्लिट करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू। जैसे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 7 के इक्वल हो और मल्टीप्लाई करने पर 6 के इक्वल हो। जैसे कि नंबर है 6 और 1 है, तो 6 + 1 = 7, 7 के इक्वल यानी मिडिल टर्म्स के इक्वल हो गया। और 6 × 1 करने पर 6, जो इस 6 के इक्वल हुआ, तो हमारा जो नंबर मिल गया वो है 6 और 1 है। तो इसको ले सकते हैं 2x² + 7 के जगह 6 + 1 × x + 3। अब ये हो जाएगा 2x² + 6 × x 6x 1 × x x + 3। अब पेयरिंग बना लेंगे, दो पेयर मिल गए। अब दोनों पेयर को अलग अलग कॉमन लेंगे, तो इसमें 2 है यहाँ 6 है, तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x कॉमन। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3, और जब x प्लस 3 की बात करेंगे तो इनमें कॉमन मिल जाएगा 1, तो हो जाएगा x + 3। अब यहाँ पे भी x + 3 है और यहाँ पे भी x + 3 है, तो x + 3 को कॉमन ले सकते हैं या बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 1। तो इस तरह हमको मिल गया x + 3 × 2x + 1। तो इसी तरह सॉल्व करना है। करना सबसे पहले है कि कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू, जिनका सम 7 के इक्वल हो और मल्टीप्लाई करने पर 6 के इक्वल हो।